हेलो अगेन एंड वेलकम टू माय चैनल. दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स. हम पढ़ रहे हैं हिस्टोलॉजी. चैप्टर का नाम है ग्लैंड्स, बुक का नाम है इंद्रबीर सिंह, चैप्टर नंबर 4. आइए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले इतना बता दूं कि ग्लैंड्स का चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. इट्स अ वेरी हाई यील्ड चैप्टर और एग्जाम का पार्ट जरूर होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपके वाइवा एग्जाम्स हो, रिटन एग्जाम हो, अंडर ग्रेड्स, पोस्ट ग्रेड्स, ग्लैंड्स आपने मास्टर करने हैं. ओके, तो सबसे पहले जनाब, व्हाट आर ग्लैंड्स, डेफिनेशन क्या है? ये एक्चुअली एपिथेलियल सेल्स की मॉडिफिकेशन होती है. यानी नॉर्मली आपके जो एपिथेलियल सेल्स हैं, अगर वो सीक्रेटरी फंक्शन स्टार्ट कर दें, यानी कुछ बना के रिलीज करना शुरू कर दें, अब चाहे वो सिंगल सेल्स हो या ग्रुप ऑफ सेल्स हो, ऐसी एपिथेलियम को हम नाम देते हैं ग्लैंड्स. तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि ग्लैंड्स एक्चुअली एपिथेलियल सेल्स की मॉडिफिकेशन होती है. क्या मॉडिफिकेशन होती है? दे स्टार्ट सीक्रीशन. ठीक है, सो अगर एपिथेलियम सीक्रेटरी फंक्शन स्टार्ट कर दे तो उन्हें हम कहते हैं ग्लैंड्स. तो ये हो गई जनाब डेफिनेशन. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स, यानी ग्लैंड्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं. अब देखो भाई, ये जो ग्लैंड्स है ना, ये टेबल अगर आपने इंद्रबीर सिंह का मास्टर कर लिया, दिस टेबल, देन यू मास्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स. अच्छा, ग्लैंड्स को ब्रॉडली, इसको कई तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी ब्रॉड और इजी अप्रोच है क्लासिफिकेशन की, वो ये है कि या तो ग्लैंड्स में डक्ट्स होंगी या ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होंगी. सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन. अगर डक्ट्स नहीं है तो उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और अगर डक्ट्स हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि देखो, अगर ग्लैंड इस तरह का है कि यू ग्लैंड का एक सीक्रेटरी पोर्शन है, इसमें ये सारे सेल्स लगे हुए हैं, बहुत सारे सेल्स हैं जो कुछ ना कुछ सीक्रेशन बनाते हैं, एंड देन दे हैव अ डक्टुलर सिस्टम, एक डक्ट मौजूद है, तो ये सेल सीक्रेशन बना के यहां पोर करेंगे और यहां डक्ट के जरिए सीक्रेशन बाहर आएगी. तो अगर डक्ट मौजूद है, इफ द डक्ट इज प्रेजेंट, सच अ ग्लैंड इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि द ग्लैंड इज प्रेजेंट, ये सेल्स हैं, सेल्स हैं, सेल्स हैं, सेल्स हैं, सेल्स हैं, सेल्स हैं, और ये अपनी सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं विदाउट अ डक्ट, इसमें कोई डक्ट मौजूद नहीं है, तो ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. सो ये दो तरह के ग्लैंड्स. इसकी मैं आसान एग्जांपल अक्सर स्टूडेंट्स को देता हूं कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सपोज कोका कोला पी रहे हैं. अब ये मैंने बड़ी अजीब सी कोका कोला बनाई है, यू नो माय ड्राइंग इज नॉट गुड. अगर आप कोका कोला में ये जो सीक्रेशन कोका कोला की है, दैट इज कोका कोला एक्चुअली, और अगर ये आप स्ट्रॉ के जरिए पी रहे हैं तो ये बन गया एक्सोक्राइन ग्लैंड, और अगर आप ये डायरेक्ट माउथ पे लगा के पी रहे हैं विदाउट द स्ट्रॉ तो ये बन गया एंडोक्राइन ग्लैंड. सो ग्लैंड्स की जो फर्स्ट डिवीजन है, जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन का स्टेप है, वो है डक्ट्स हैं या डक्ट्स नहीं है. ठीक है, अगर डक्ट्स नहीं है तो एंडोक्राइन, और अगर डक्ट्स हैं तो एक्सोक्राइन. अच्छा, फिर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो या तो होते हैं यूनिसेलुलर, यानी पूरे का पूरा ग्लैंड सिर्फ एक ही सेल होगा, या दे आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, बहुत सारे सेल्स मिलकर ग्लैंड बनाएंगे. और यहां इन्होंने इसकी एग्जांपल दी है, अभी मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये ज्यादातर मल्टीसेलुलर ही होते हैं, इसीलिए इसको यूनि और मल्टी में डिवाइड नहीं किया, बिकॉज दे आर बाय डिफॉल्ट यूजुअली मल्टीसेलुलर. ठीक है, एक्सोक्राइन में एक सेल होगा तो यूनिसेलुलर, मल्टीपल सेल्स होंगे तो मल्टीसेलुलर. अच्छा, अब जो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स हैं एक्सोक्राइन, उनको फिर फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. देखें, फर्स्ट कैटेगरी है, दे कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डक्ट्स, अभी ये पढ़ाता हूं मैं आपको. दे कैन आल्सो बी डिवाइडेड नंबर टू ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, द शेप ऑफ द सीक्रेटरी यूनिट, यानी जो सीक्रेशन होती है उसकी शेप कैसी है. नंबर थ्री, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सीक्रेटरी प्रोडक्ट, यानी ये सीरस है, म्यूसिनस है, अभी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे. और फोर्थ तरीकेकार है इसको डिवाइड करने का, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेटरी मैकेनिज्म, आइदर दे आर मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन. अब ये पढ़ते हैं और फिर थोड़ी देर में इस टेबल की तरफ वापिस आएंगे, इस चार्ट की तरफ वापिस आएंगे, क्योंकि ये ग्लैंड्स की पूरी क्लासिफिकेशन को समराइज करता है. तो मोटी मोटी बात क्या हो गई, अगर ग्लैंड्स में डक्ट्स हैं तो एक्सोक्राइन, डक्ट्स नहीं है तो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एक सेल पर है तो यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल्स पर है तो मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर को डिवाइड करने की फर्दर चार तरीकेकार हैं, चार मैकेनिज्म्स हैं. पहला, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डक्ट्स प्रेजेंट, देन ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सीक्रेटरी यूनिट, देन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज बीइंग सीक्रेटेड, नेचर उसका, एंड नंबर फोर है कि सीक्रेटरी मैकेनिज्म क्या है. ठीक है, अब जरा इसको वन बाय वन डिटेल में समझने की कोशिश करते
हैं। अब देखें यहाँ पे पहली बात क्या बताई जनाब, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स वो होंगे जो, अब ये जितनी भी एक्चुअली अभी हमने टर्म्स पढ़ी है ना उन सब की एक्सप्लेनेशन आएंगी। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स वो होंगे विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सिंगल सेल। और बेसिकली होता ये है कि अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊँ, सपोज ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये एपिथीलियम चल रही है, एक सेल, दूसरा सेल, ये तीसरा, ये चौथा, अचानक से एक मॉडिफाइड सेल होगा और फिर ये एपिथीलियम कंटिन्यू है। तो ये जो सारे हैं ये एपिथीलियम है और ये जो मॉडिफाइड सेल है एक सिंगल सेल, ये है ग्लैंड, क्योंकि ये कुछ ना कुछ बना के रिलीज करेगा, ठीक है। तो इस तरह होता है, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स आर इंटरस्पर्स्ड अमंग्स द नॉन सिक्रेटरी एपिथीलियल सेल्स, दे कैन बी यूजुअली फाउंड इन द एपिथीलियम ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में इस तरह से होता है, देखो ये एपिथीलियम है, ये नॉन सिक्रेटरी, नॉन सिक्रेटरी, नॉन सिक्रेटरी, नॉन सिक्रेटरी, बट दिस सेल इज सिक्रेटरी, गोब्लेट सेल, ठीक है। फिर ये नॉन सिक्रेटरी, नॉन सिक्रेटरी, नॉन सिक्रेटरी, तो एक सिक्रेटरी सेल होगा बहुत सारे नॉन सिक्रेटरी सेल्स के बीच में। तो चूंकि एक सेल है इसीलिए ये सेल ग्लैंड टाइप क्या कहलाएगा, यूनिसेलुलर, ठीक है। अच्छा, मल्टी सेलुलर ग्लैंड क्या होते हैं जना, मोस्ट ग्लैंड्स आर मल्टी सेलुलर, यानी बॉडी में ज्यादातर जो आपके ग्लैंड्स हैं वो एक सेल पे नहीं होते, बहुत सारे सेल्स पे होते हैं और दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है समझने के लिए। सच ग्लैंड्स डेवलप इज डायवर्टिकुलर फ्रॉम द एपिथीलियल सर्फेस, द डिस्टल पार्ट ऑफ द डायवर्टिकुलर डेवलप इन टू द सीक्रेटरी एलिमेंट, वाइल द प्रोक्सिमल पार्ट फ्रॉम द डक्ट्स थ्रू विच द सीक्रेशन रीचेज द एपिथीलियल सर्फेस। एग्जाम्पल दिए उन्होंने बहुत सारी, ये मैं पूरा जरा ना टेक्स्ट आपको समझाता हूँ बॉस कि ये मामला हो क्या रहा है। अब देखो, सपोज ये एपिथीलियम है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये एक एपिथीलियम में नॉन सिक्रेटरी सेल्स चल रहे हैं, नॉन सिक्रेटरी, नॉन सिक्रेटरी। सडनली ये जो एपिथीलियम है ये अंदर की तरफ डायवर्टिकुलर बनाती है और यूं उसका एक शेप होके ये वापस यूं आ जाता है और यहां पे ये दोबारा से नॉन सिक्रेटरी एपिथीलियम कंटिन्यू। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है, देखो हो ये रहा है कि ये है नॉर्मल एपिथीलियम, ये है नॉर्मल एपिथीलियम, लेकिन बीच में यहां पर इस एपिथीलियम का एक डायवर्टिकुला बन गया। यहां भी सेल्स होंगे, यहां भी देखें इस तरह से लाइनिंग में ये सेल्स होंगे। अब ये हैं तो एपिथीलियल सेल्स, लेकिन ये मॉडिफाई हो गए हैं, ये अब कुछ अलग करने लगे हैं, और वो अलग क्या है, वो अलग है जनाब सीक्रेटरी फंक्शन, इसीलिए तो इसको हम ग्लैंड कहते हैं। अब ये पूरी चीज जो कि एपिथीलियम है, इस पूरे को अब नाम हम दे देते हैं ग्लैंड, ठीक है। तो चूंकि ये ग्लैंड बहुत सारे सेल से मिलके बना है इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड। अब इस ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं डिस्टल पोर्शन, डिस्टल पोर्शन से सिक्रीशन होती है और वो रिलीज होती है यहां, और फिर एक ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल पोर्शन। प्रोक्सिमल पोर्शन एक्चुअली डक्ट है, तो जो सिक्रीशन यहां से निकली ये यूं डक्ट से गुजरते हुए सिक्रीशन एपिथीलियल सरफेस पे आ जाएगी और बाहर रिलीज हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि इसमें डक्ट भी है और इसमें सिक्रेटरी पोर्शन भी है। अब जरा ये पैराग्राफ देखो दोबारा से, सच ग्लैंड्स डेवलप फ्रॉम द डायवर्टिकुला ऑफ द एपिथीलियल सरफेस। समझ में आती है बात कि ये एपिथीलियल सरफेस थी, ये उसका डायवर्टिकुला बन गया, ठीक है ना, और इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है जो कि डक्ट बनाता है और इसका डिस्टल पार्ट है जो कि सिक्रेटरी एलिमेंट बनाता है। डिस्टल पार्ट फॉर्म्स द सिक्रेटरी एलिमेंट। तो समझ में आती है ये बात, समझ में आती है कमेंट में लिख के बताइए। Now glands that pour their secretion onto the epithelial surface directly or through the ducts are called exocrine glands, ठीक है, इजी बात है, इसमें समझने में कोई मुश्किल काम नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा वो अपनी सिक्रीशन अल्टीमेटली एपिथीलियल सरफेस पर निकालेगा। अब देखो यहां पे मैंने दो एग्जांपल्स दी ना, ये सारे नॉन सिक्रेटरी सेल्स हैं और ये सिक्रेटरी सेल है, इस सिक्रेटरी सेल की भी सिक्रीशन एपिथीलियल सर्फेस पर ही निकलेगी ना, एपिथीलियल सर्फेस पे। इसी तरह यहां पर डक्ट है, ये भी एपिथीलियल सर्फेस पर निकालता है अपनी सिक्रीशन। तो ग्लैंड चाहे बगैर डक्ट के या डक्ट के साथ अगर अपनी सिक्रीशन एपिथीलियल सरफेस पे निकालेगा तो दैट इज कॉल्ड एन एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक्सटर्नली सिक्रीटिंग ग्लैंड, ठीक है। नाउ सम ग्लैंड्स लूज कॉन्टैक्ट विद एपिथीलिया और वो अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में निकालते हैं, उनको हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड। अब होता यह है कि सपोज ये एपिथीलियम चल रही है, ठीक है, दैट इज द एपिथीलियम, 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 नॉन सिक्रेटरी। इसमें से कुछ ग्लैंड नीचे माइग्रेट कर गए कुछ सेल्स और यहां पर एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये जो ग्लैंड बना है ना, इसका एपिथीलियम के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई डक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसकी जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होगी। तो
ऐसे ग्लैंड को हम नाम देते हैं बॉस एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो एपिथीलियम पे अपनी सिक्रेशन निकालेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड में निकालेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में आ जाता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो बात यहां पे क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हम बात कर रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, वो ग्लैंड्स जो अपनी सिक्रेशन डायरेक्टली एपिथीलियम पे रिलीज करते हैं। नाउ दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, बहुत सारी बेसिस पे इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो ये रही, यहां मैंने आपको बताया ना एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो चार तरह से उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी अब जो हम पढ़ने लगे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डक्ट्स, ठीक है। आइए देखते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग डक्ट, दे आर कॉल्ड सिंपल ग्लैंड्स और कंपाउंड ग्लैंड्स। अब जरा मैं बताता हूं कि सिंपल और कंपाउंड की स्टोरी क्या है। सिंपल ग्लैंड्स, व्हेन ऑल द सीक्रेटरी सेल्स ऑफ एन एक्सोक्राइन ग्लैंड डिस्चार्ज इनटू वन डक्ट, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल ग्लैंड। और इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक में और स्वेट ग्लैंड्स। देखो बात बॉस ये है, इसकी इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है इसलिए मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम दिखाता हूं, ठीक है। ये देखो बॉस डायग्राम। अब बात यहां पे ये है कि अगर मैं इस ग्लैंड को देखता हूं तो इस ग्लैंड में ये पार्ट नॉर्मल एपिथीलियम है यानी नॉन सीक्रेटरी एपिथीलियम, और ये इसका डायवर्टिकुलम है, तो ये बन गया ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड है इस ग्लैंड में यहां पर दिस इज वन डक्ट, तो चूंकि एक डक्ट है तो सिंपल। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ये भी एक ग्लैंड है, इसमें भी डक्ट मुझे बताओ कितनी है, वन डक्ट, दैट इज द डक्ट, तो ये भी सिंपल कहलाएगा। अच्छा जरा इसको देखिए, यहां पर बहुत सारे ग्लैंडुलर यूनिट्स हैं, ये भी सीक्रेटरी यूनिट है, ये भी सीक्रेटरी यूनिट है, ये भी सीक्रेटरी यूनिट है और ये भी सीक्रेटरी, तो चार सीक्रेटरी यूनिट है, लेकिन डक्ट कितनी है, डक्ट सिर्फ एक है। सो देयर इफ देयर इज वन डक्ट दिस इज कॉल्ड सिंपल, दिस इज कॉल्ड सिंपल। सो सिंपल ग्लैंड वो होगा जिसमें डक्ट एक ही होगी, ठीक है। सो सिंपल आपको वर्ड समझ में आ जाना चाहिए कि सिंपल ग्लैंड इज अ ग्लैंड जहां पे वन सिंगल डक्ट है। अच्छा व्हाट इज अ कंपाउंड ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड समटाइम्स देयर आर नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सीक्रेटरी सेल्स ईच ग्रुप डिस्चार्जिंग इन टू देयर ओन डक्ट, और वो सारी डक्ट आपस में मिलकर फाइनली वन डक्ट बनाती हैं, सच आर कॉल्ड कंपाउंड ग्लैंड। एग्जाम्पल है पैरोटिड ग्लैंड और पैंक्रियाटिक पोर्शन एक्सोक्राइन ग्लैंड का, डायग्राम पे दिखाता हूं। ये देखो बॉस, अब ये देखें जरा यहां पे कितने सीक्रेटरी यूनिट्स हैं, ये सीक्रेटरी यूनिट है, ये सीक्रेटरी यूनिट है, ये है, ये है, ये है, ये है, सिक्स है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अच्छा इस सेक्रेटरी यूनिट की एक डक्ट ये रही, इनकी एक डक्ट ये रही, तो इनकी एक डक्ट ये रही, तीन डक्ट मिलके फिर एक डक्ट बना रहे हैं। तो चूंकि स्टार्ट में बहुत सारी डक्ट हैं और ये सब मिलकर फिर एक डक्ट बनाते हैं, तो शुरू में चूंकि बहुत सारी डक्ट हैं, दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड ग्लैंड। तो सिंपल और कंपाउंड की स्टोरी यह है कि अगर एक डक्ट होगी, वन डक्ट, वन डक्ट, वन डक्ट, तो वो सिंपल कहलाएंगे, और अगर मल्टीपल डक्ट हैं और वो मिलकर फिर एक डक्ट बना रही हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड ग्लैंड। तो अब देखो आहिस्ता आहिस्ता ना आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आती जाएंगी कि सिंपल ग्लैंड किसको बोलते हैं, कंपाउंड ग्लैंड किसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा फर्दर ग्लैंड की शेप के हवाले से टर्मिनोलॉजीज हैं। अ ग्लैंड कैन बी ट्यूबुलर, इट कैन बी एसिनर। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द सीक्रेटरी पोर्शन। आइए ये बात समझाता हूं। देखो अगर आपके ग्लैंड में, अगर ग्लैंड में जो सीक्रेटरी पोर्शन है, देखो ये रहा सीक्रेटरी पोर्शन, हर ग्लैंड को देखने का तरीका क्या है, देखो बॉस ये एपिथीलियम है, ये एपिथीलियम है और ये नीचे जाके यूं ग्लैंड बना रहा है, ठीक है ना। अब ये जो ग्लैंड बना रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये एल्व्यूलर है, यानी ये गुब्बारे की तरह है, ये बबल की तरह है। चूंकि ये एल्व्यूलर है इसीलिए इसका नाम एल्व्यूलर है, इसमें कौन सी मुश्किल बात है बॉस समझना। अच्छा मुझे बताओ ये सिंपल है या ये कंपाउंड है, डक्ट तो एक ही नजर आ रही है तो ये सिंपल होगा, इसीलिए इस पूरे ग्लैंड का नाम हो गया सिंपल एल्वुलर। सिंपल इसलिए क्योंकि डक्ट एक है, एल्वुलर इसलिए क्योंकि जो इसका सीक्रेटरी पोर्शन है उसकी शेप एल्वुलाई की तरह है। अब देखो ये वाली डायग्राम अगर मैं आपको दिखाता हूं, इस पे फोकस करो, मुझे बताओ ये वाला ग्लैंड, अभी-अभी हमने पढ़ा कि इसमें चूंकि एक ही डक्ट है तो ये सिंपल कहलाएगा, डक्ट एक ही है, लेकिन इसका जो सीक्रेटरी पोर्शन है ये ऐसे गोल नहीं है बल्कि इट्स अ ट्यूब शेप, ऐसे यूं ट्यूब बना हुआ है, तो चूंकि ट्यूब बना हुआ है इसीलिए ट्यूबुलर। सिंपल है लेकिन ट्यूबुलर है। अब बात जो समझने की ना वो ये कि आपने दो चीजें याद रखनी है कि ग्लैंड की डक्ट कैसी है। डक्ट अगर एक है तो उसको हम नाम देते हैं सिंपल, और अगर डक्ट्स उसकी मल्टीपल हैं यानी मोर देन वन हैं तो उसको हम नाम देते हैं कंपाउंड। तो डक्ट की बेसिस पे सिंपल और कंपाउंड हो गया। फिर आपने देखना है कि जो सीक्रेटरी यूनिट है, सीक्रेटरी यूनिट किस तरह का है। सीक्रेटरी यूनिट
इस शेप का है तो उसको हम नाम देंगे एल्वुलर, और अगर सीक्रेटरी यूनिट ट्यूबुलर शेप का है तो उसको हम नाम देंगे ट्यूबुलर। आती है बात समझ में? नाउ यहां देखिए, मुझे बताएं कि डक्ट कितनी है, वन डक्ट, दैट इज वन सिंपल डक्ट, लेकिन जो इसकी सीक्रेटरी यूनिट्स हैं वो मल्टीपल हैं, यानी वो ब्रांच्ड हैं, इसीलिए, लेकिन है किस शेप के, एल्वुलर शेप के, तो सिंपल क्योंकि डक्ट एक है, ब्रांच्ड एल्वुलर क्योंकि एल्वुला की ब्रांचेस है, ठीक है। अब ये वाली डायग्राम देखते हैं जनाब, इस डायग्राम में देखो कितनी डक्ट्स हैं, मुझे बताएं एक ही डक्ट है या मल्टीपल डक्ट्स मिलकर एक डक्ट बना रही हैं। देखें मल्टीपल डक्ट्स हैं, ये डक्ट है, ये डक्ट है, ये डक्ट है, और फिर ये, तो ये सिंपल होगा या कंपाउंड, इट विल बी कंपाउंड। और सीक्रेटरी यूनिट एल्वुलर है या ट्यूबुलर है, एल्वुलर, तो इसीलिए इसका नाम है कंपाउंड एल्वुलर। तो शेप देख के नाम आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखें जनाब, दिस इज एन इंटरेस्टिंग फिनोटाइप ऑफ अ ग्लैंड। इस ग्लैंड में सबसे पहले मुझे बताएं ये सिंपल है या कंपाउंड है। अगर आप कह रहे हैं ये कंपाउंड है तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि बहुत सारी डक्ट्स मिलकर एक डक्ट बना रही है, सो दिस इज कंपाउंड। अब मुझे बताओ ये एल्वुलर है या ट्यूबुलर है, तो सीक्रेटरी यूनिट देखना पड़ेगा। सीक्रेटरी यूनिट ये एल्वुलर है तो आपको लग रहा है कि जनाब ये एल्वुलर है, लेकिन हैंग ऑन, ये देखें ये ट्यूब्यूल है तो भाई इसमें ट्यूबुलर पोर्शन भी है। सो ये मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड है, ये कंपाउंड है, ये एल्वुलर भी है और ये ट्यूबुलर भी है, तो उसका नाम देखिए कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर। आती है बात समझ में? सो अगर आपको ये सब टर्म्स आपके सामने आती हैं, सिंपल ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड, ट्यूबुलर ग्लैंड, एसिनर ग्लैंड, तो आपको ये सब टर्म्स अब पता है कि व्हाट डू दे मीन। वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं और अब बात करते हैं एल्वुलर ग्लैंड्स। मैंने आपको पढ़ा दिया, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्युलर ग्लैंड्स, दैट्स फाइन। नाउ रिमेंबर अ ग्लैंड कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव सिनेरियोज़ जो मैंने आपको बताया। ग्लैंड कैन सिंपली बी अ सिंपल ग्लैंड एंड एन एल्वुलर ग्लैंड, तो उसको हम नाम देंगे सिंपल और एल्वुलर। अ ग्लैंड कैन बी सिंपल एंड ट्यूबुलर, तो उसको नाम देंगे सिंपल ट्यूबुलर। अब ये सारी टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए। कंपाउंड ट्यूबुलर क्या होगा मुझे बताएं। कंपाउंड का मतलब ये है कि इसमें डक्ट मल्टीपल होंगी, और ट्यूबुलर का मतलब ये है कि सीक्रेटरी पोर्शन इसका ट्यूबुलर होगा। कंपाउंड एल्वुलर यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर। तो ये सारी जो डायग्राम्स ऊपर दिखाई हैं, ये डायग्राम्स आपको बिल्कुल क्लियरली आनी चाहिए, ईच वन ऑफ द डायग्राम। इसको एक बार टुवर्ड्स द एंड हम दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बात, मैं दोबारा उस चार्ट की तरफ रेफर करता हूं। ये चार्ट देखें, नाउ इट शुड स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। ग्लैंड्स अगर विदाउट डक्ट्स हैं तो एंडोक्राइन, विद डक्ट्स हैं तो एक्सोक्राइन। अगर एक सेल है तो यूनिसेलुलर, मल्टीपल सेल्स हैं तो मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को आप डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डक्ट्स, सिंपल और कंपाउंड। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। दूसरी तरीकेकार क्या था उसको डिवाइड करने का, आइदर द सीक्रेटरी यूनिट इज ट्यूबुलर, एसिनर और एल्वुलर। ये बेसिकली एक साथ ही वर्ड यूज होते हैं, एसिनर और एल्वुलर, ये भी हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी आइदर इट इज सीरस, म्यूसिनस और मिक्स्ड, यानी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द सीक्रीशन ग्लैंड कैन बी आइदर डिवाइडेड इंटू म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड मीन्स इट प्रोड्यूसेस म्यूकस, ठीक है। सेल्स ऑफ द म्यूकस एसिना है आर टॉल, द सेल्स आर टॉल विथ फ्लैट न्यूक्लियाई एट द बेसिस, द ल्यूमन ऑफ दीज एसिनाई इज लार्जर देन द सीर। ये डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने। इन म्यूकस ग्लैंड द सीक्रीशन कंटेन म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। नाउ म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स आर वेरी थिक मटीरियल, देयरफॉर दे एक्चुअली पुश द न्यूक्लियस टू द बेस ऑफ द सेल। इसको मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं, आइए जनाब। So here is a diagram जिसमें इस वाले सीक्रेटरी यूनिट पे हमको फोकस करना है। देखें, these are the tall cells और इनका न्यूक्लियस कहाँ है, फ्लैट न्यूक्लियस एट द बेस, फ्लैट न्यूक्लियस एट द बेस। उसकी वजह ये होती है क्योंकि यहां पर बहुत सारा म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है जो इस न्यूक्लियस को पुश करता है टुवर्ड्स द बॉटम, टुवर्ड्स द बॉटम, एंड इट बिकम्स अ फ्लैट शेप। तो अगर ये मॉर्फोलॉजी आपके सामने आती है तो आपको समझ जाना है कि दिस इज बेसिकली अ म्यूसिनस ग्लैंड या म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ओके, ये इनके नाम है। इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी होती हैं, हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टेन से स्टेन होते हैं जिसका नाम है प्रियोरिक एसिड शेफ। और इसकी एक टिपिकल एग्जांपल तो गोबलेट सेल है जो कि यूनिसेलुलर होता है, विच इज प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक, जगह जगह ताकि म्यूकस प्रोड्यूस करे। अच्छा, फिर अगर
तो आपके सीक्रेटरी यूनिट्स ग्लैंड्स के म्यूकस नहीं बल्कि सीरस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. सो दे आर कॉल्ड सीरस ग्लैंड्स. सेल्स ऑफ सीरस एसिनाई आर ट्राइंगुलर इन शेप एंड दे हैव अ राउंडेड न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस. द सीक्रीशन ऑफ द सीरस ग्लैंड्स आर लार्जली प्रोटीन इन नेचर. एंड ये डिफरेंसेस बॉस आपको याद रखने हैं सीरस ग्लैंड में और म्यूसिनस ग्लैंड में. अब ये वाला जरा सीक्रेटरी यूनिट फोकस करें. इस सीक्रेटरी यूनिट में आपको पता लगेगा कि देखें ये ट्राइंगुलर सेल्स हैं और जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्लेस्ड है और इसमें बहुत सारा प्रोटीन बनता है, इसीलिए ये सीरस है, इसीलिए ये इस कलर का स्टेन होता है हिमेटॉक्सिलिन और इओसिन में. सो अगर ये दो आपके सामने सीक्रेटरी यूनिट्स हैं तो मेरा ख्याल है आप इजीली बता सकते हो कि म्यूकस प्रोड्यूसिंग कौन सा है और सीरस प्रोड्यूसिंग कौन सा है. सिर्फ अगर न्यूक्लियस की शेप देख लूं तो राउंडेड न्यूक्लियस होगा और सेंटर में होगा तो ये है सीरस एसिनाई. और अगर हम न्यूक्लियस की इसमें शेप देख लें तो ये फ्लैट न्यूक्लियस होगा और बॉटम की तरफ होगा तो दिस इज म्यूकस प्रोड्यूसिंग टाइप ऑफ ग्लैंड. तो ये आपको ग्लैंड के डिफरेंसेस याद रखने हैं बॉस. और इस टेबल में यहां पर ये सारी बात हो गई. इस टेबल में इन डिफरेंसेस को दोबारा डिफाइन किया हुआ है कि जो म्यूसिनस एसिना है दे आर टॉल सेल्स एंड फ्लैट न्यूक्लियस एट द बेस और जो सीरस हैं उसमें राउंड न्यूक्लियस होगा इन द सेंटर. ठीक है. और इनके साइटोप्लाज्म में जाहिर है म्यूकोइड मटेरियल होगा और यहाँ पे प्रोटीन जैमोजिन पार्टिकल्स होंगे. सीरस जो एसिनाए होंगे दे विल बी स्टेन्ड विद HNE इन अ वेरी डार्क मैनर बिकॉज बहुत सारी प्रोटीन होती है जबकि म्यूकस लाइट होते हैं और ये स्टेन होते हैं पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन से. ठीक है. इनमें म्यूकोइड सिक्रीशंस बनती हैं, इनमें थिन वाटरी प्रोटीन सिक्रीशंस बनती हैं. एग्जांपल ऑफ म्यूकस ग्लैंड इज सबलिंगुअल ग्लैंड या गॉबलेट सेल्स एंड एग्जांपल्स ऑफ सीरस ग्लैंड इज एनी ग्लैंड व्हिच प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ प्रोटीन फॉर एग्जांपल पैरोटिड ग्लैंड. ठीक हो गया बॉस. तो ये आपको बात समझ में आ गई. अच्छा एक कैटेगरी और दिखाता हूं. अगर आपके सामने ये वाली डायग्राम आएगी तो ये म्यूकस है क्योंकि न्यूक्लियस की शेप आपको पता है. अगर आपके सामने ये वाली कैटेगरी आएगी तो सेंट्रल है तो ये सीरस होगा. लेकिन जरा इस कैटेगरी को देखो यार. Look at this category. This category is a mixture of two things. ये वाले जो cells हैं बगैर मेरे बताए आप बताओ कि flat nucleus है नीचे की तरफ है तो क्या होगा mucus type. लेकिन जरा side में देखें centrally round nucleus. तो ये है mucus और साथ में serous component भी है. So आपकी body में बहुत जगहों पे ऐसे glands भी होते हैं जिनमें serous और mucinous दोनों components पाए जाते हैं. ठीक है. तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है. मिक्सचर मौजूद हो सकता है. Right. एडेड इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे इन्होंने कि एपिथेलिया इन सीक्रेटरी पोर्शन ऑफ ग्लैंड शो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सीक्रेशन. सेल्स दैट आर प्रोटीन सीक्रेटिंग यानी कि जो सीरस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं दे हैव अ लॉट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जाई कॉम्प्लेक्स. जाहिर है इन्होंने प्रोटीन बनाना है ना तो उसमें तमाम वो ऑर्गेनेल्स ज्यादा होंगे जो प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है. अच्छा इसी तरह जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग आपके ग्लैंड्स हैं जितने भी सारे म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स उनकी फिर एक डिफरेंट अपनी स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बॉडीज. तो कंपोजिशन ऑफ द ग्लैंड डिपेंड्स अपॉन व्हाट दे आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग. अगर कोई ग्लैंड ऐसा है जो स्टेरॉइड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा. सो ये आपको पता होना चाहिए. मैं दोबारा चार्ट की तरफ जा रहा हूं. देखो ये चार्ट इंपॉर्टेंट था. ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था. मल्टीसेलुलर को पहली तरीके से हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट्स सिंपल एंड कंपाउंड, फिर ट्यूबुलर एंड एसिनर या एल्वुलर सीक्रेटरी यूनिट, फिर सीरस म्यूसिनस. ये समझ लिया. अब आखिरी जो तरीकेकार है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेटरी मैकेनिज्म. अब बास ग्लैंड्स ऐसे होते हैं बॉस के लेट अस रीड दिस टेक्स्ट. बास ग्लैंड्स ऐसे होते हैं कि जो इनकी सीक्रीशंस हैं वो निकलती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस यानी सेल अपनी जगह पे रहता है और वो अपनी सीक्रीशंस को बाहर निकाल देते हैं. यानी फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल है जिसमें से सीक्रीशन निकलनी है ये प्रोटीन ये यूं निकल के ऐसे निकल जाती है इसमें से सेल अपनी जगह पे रहता है. ठीक है. इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस. इस मैकेनिज्म को कहा जाता है मीरोक्राइन मोड ऑफ सीक्रीशन. मीरोक्राइन मोड ऑफ सीक्रीशन. ठीक है. ये मीरोक्राइन वर्ड का ये मतलब है कि एक्सोसाइटोसिस के जरिए जो भी सीक्रीशन है वो निकल जाएगी. अच्छा फिर एक मैकेनिज्म होता है एपोक्राइन मोड ऑफ सीक्रीशन. ये क्या होता है. इन सम ग्लैंड्स द एपिकल पार्ट ऑफ द सेल्स आर शेड ऑफ टू डिस्चार्ज द सीक्रीशन. यानी जब ये सीक्रीशन निकल रही होती है तो ये अपने साथ इस सेल का ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन लेके निकलती है पिंच ऑफ करके. इसे बोलते हैं एपोक्राइन. इसकी एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड्स या मेमरी ग्लैंड्स. ठीक है. अच्छा फिर एक मोड है सिक्रीशन का वो है होलोक्राइन. इसमें बॉस पूरे का पूरा सेल एंटायर सेल डिसइंटीग्रेट हो जाता है सिक्रीशन के दौरान. इन्होंने एक डायग्राम दिया बड़ी अच्छी सी वो दिखाता हूं.
ये देखिए, ये फर्स्ट कैटेगरी है बॉस। फर्स्ट कैटेगरी में क्या हो रहा है, यहां पे प्रोटीन बन रही है, ये वेसिकल्स बन रहे हैं सीक्रेटरी वेसिकल्स, और ये सीक्रेटरी वेसिकल्स निकल गए वाया एक्सोसाइटोसिस। तो ये पहली कैटेगरी क्या कहलाएगी मुझे बताइए, मीरोक्राइन। सेकंड कैटेगरी में देखिए, सेल का थोड़ा सा पार्ट भी निकल रहा है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट, ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, तो चूंकि ये भी निकल रहा है सीक्रेशन के दौरान, इस कैटेगरी को हम नाम देते हैं एपोक्राइन। ठीक है, लास्ट कैटेगरी देखो बॉस, ये सेल था और ये सिग्रीशन के साथ साथ भाई पूरा सेल खत्म हो गया, देखो पूरी सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गई, ये पूरा सेल वो कह रहा है कि कुर्बानी दे दी और अपना सारा मटेरियल बाहर निकाल दिया, इसको हम नाम देते हैं होलोक्राइन। तो ये मोड ऑफ सिग्रीशन की बेसिस पर तीन कैटेगरीज हैं जिनको हमने नाम दिया मीरोक्राइन अगर एक्सोसाइटोसिस के जरिए निकल जाए सिक्रीशन, एपोक्राइन अगर सेल का थोड़ा सा पार्ट सेल मेम्ब्रेन का रिलीज हो जाए सिक्रीशन के साथ, और होलोक्राइन जिसमें पूरे का पूरा सेल तबाह हो जाए। ठीक है, तो ये कैटेगरीज आपको याद रखनी है। अच्छा जी, आफ्टर दिस एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्लैंड्स। नाउ व्हाट इज द, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लेकिन एक दफा काइंड ऑफ रिपीट हो जाएगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव बेसिकली द सेम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव द पैरेन्काइमा, अ डक्ट सिस्टम एंड स्ट्रोमा। पैरेन्काइमा, द सेक्रेटरी सेल्स ऑफ अ ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द पैरेन्काइमा। यानी जब हम ग्लैंड का भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ना ऊपर, मैं आपको ये बात समझा रहा था या दोबारा समझाता हूँ कि सपोज ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये सब नॉन सीक्रेटरी सेल्स है, फिर ये इन्वेजिनेशन हुई और ये सीक्रेटरी कंपोनेंट और ये डक्ट और ये बन गया दोबारा से नॉन सीक्रेटरी कंपोनेंट, तो ये ग्लैंड है। सही है, अब इस ग्लैंड का जो सीक्रेटरी पोर्शन है ना, तो वो सेल्स जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करेंगे उसको हम नाम देते हैं पैरेन्काइमा। ठीक है, सो पैरेन्काइमा इज द सीक्रेटरी पोर्शन, ये जो सीक्रेटरी पोर्शन है बेटा, दिस इज कॉल्ड पैरेन्काइमा। सो याद रखने आपको बात के, व्हाट इज अ पैरेन्काइमा। देन डक्टुलर सिस्टम, आपको पता है कि इस ग्लैंड में दिस इज द पैरेन्काइमा जो सिक्रीट करेगा और ये पोर्शन क्या कहलाएगा, डक्टुलर सिस्टम। तो पैरेन्काइमा और डक्ट तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब आइए जरा देखें स्ट्रोमा क्या चीज है। स्ट्रोमा इज द कनेक्टिव टिश्यू, यानी ग्लैंड के आसपास जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है, उस कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट हो सकते हैं और बहुत तरह के सेल्स हो सकते हैं, पूरा कैप्सूल हो सकता है। तो इस ग्लैंड के आसपास इस तरह का जितना भी कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर होगा उसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, यहां डायग्राम बनाई हुई है, डायग्राम में दिखाता हूं। ठीक है, ये एक सेक्शन बनाया हुआ है, इस सेक्शन के अंदर देखें ये डिफरेंट, ये है पूरा कनेक्टिव टिश्यू, कैप्सूल, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली पूरे ग्लैंड को लोब्स में डिवाइड कर देता है। ये देखो, ये पूरा एक लोब बन गया, ये पूरा एक लोब बन गया। अब इसके अंदर ये सीक्रेटरी यूनिट्स हैं, तो चूंकि ये सीक्रेटरी यूनिट्स हैं तो इस सीक्रेटरी यूनिट को हम नाम दे देंगे पैरेन्काइमा, और बीच में जितना कनेक्टिव टिश्यू है ये कहलाएगा स्ट्रोमा। ऐसे ही है ना, और डक्ट्स यहां पे नजर नहीं आ रही लेकिन डक्ट्स, क्योंकि ये सेक्शन बना हुआ है तो जो डक्ट्स निकल रही होंगी उनको हम डक्ट्स नाम दे देंगे। तो ये जनरल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स किस तरह होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन कॉर्ड्स और क्लंप्स, और ये एपिथेलियल सरफेस के साथ अटैचमेंट में नहीं होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं ब्लड कैपिलरीज को अपनी सीक्रेशंस, और इनके इर्द गिर्द भी कनेक्टेड टिश्यू मौजूद होता है। बेसिकली होता यह है कि एपिथीलियम ऊपर कहीं चल रही होगी, दिस इज द एपिथीलियम, और कहीं डीप मौजूद होगा ये एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसका कनेक्शन एपिथीलियम के साथ नहीं है। राइट, ये एक अच्छा क्लिनिकल कोरिलेट दिया हुआ है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, कि जो ग्लैंड्स हैं उनमें अगर कैंसर होता है, अगर बिनाइन कैंसर है तो एडिनोमा, और अगर मैलिग्नेंट है तो उसको हम एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। ये टर्म्स हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड्स बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दे डेवलप इज डाइवर्टिकुलम ऑफ एपिथीलियम, एपिथीलियम से बनते हैं। मैंने आपको बार बार बताया ये एपिथीलियम की मॉडिफिकेशन है, सो दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द एपिथीलियम। ठीक है, जो एक्सोक्राइन पोर्शन है इट डेवलप्स एज अ सॉलिड बड फ्रॉम द एपिथीलियम, इट गोज डाउन एंड डाउन एंड डाउन, और फिर उसमें डक्ट बन जाती है और सीक्रेटरी यूनिट बन जाता है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इट ऑल्सो डेवलप्स इन द सिमिलर मैनर जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, बट विद फर्दर डेवलपमेंट इट ब्रेक्स द कंटिन्यूटी विद द ओवरलाइंग एपिथीलियम, यानी ये ऊपर के एपिथीलियम से शेड ऑफ हो जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है। डायग्राम में आपको दिखाता हूं, ये बात बहुत अच्छी डायग्राम बनाई हुई है इस बुक में, जरा ये देखिए, दिस इज द एपिथीलियम, और ये एपिथीलियम की इन्वेजिनेशन हुई एज अ सॉलिड डक्ट, और फिर इस सॉलिड डक्ट के अंदर ये सॉलिड जो मास था सेल्स का उसमें डक्ट बन गई, तो ये बन गया ग्लैंड। अब इस ग्लैंड में देखें, ये एपिथीलियम है जो कि नॉन सीक्रेटरी है, ये एपिथीलियम है जो कि नॉन सीक्रेटरी है, और ये बन गया ग्लैंड, है ना।
अच्छा, एक्सोक्राइन अगर मैं ग्लैंड, ये तो पूरा सारा एक्सोक्राइन ग्लैंड समझा दिया आपको, एंडोक्राइन ग्लैंड का जरा सिस्टम देखिए, इसमें भी एक एपिथीलियम थी, सेल बड बनी, बहुत सारे सेल्स यू नीचे की तरफ निकलना शुरू हो गए, लेकिन इनका एपिथीलियम के साथ कॉन्टैक्ट खत्म हो गया। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, यहां पे ये एपिथीलियम के साथ कंटिन्यू है लेकिन ये बिल्कुल एक अलग सा सेल का मास बन गया, तो इस क्लस्टर ऑफ सेल्स बन गया, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक हो गई बात। तो ये अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई, ये चैप्टर यहां पे खत्म हुआ। एक फाइनल दफा मैं वो टेबल जरा रिपीट कर दूं। राइट, सो देखो इस टेबल से हमने कहानी शुरू की थी और तब शायद आपको कुछ टर्म समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब आपको इस टेबल में मौजूद एक एक टर्म समझ में आनी चाहिए। ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो सबसे पहले ये चीज कि आप डक्ट्स मौजूद हैं या डक्ट्स मौजूद नहीं है, तो इस बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं एक्सोक्राइन वैरायटी एंड एंडोक्राइन वैरायटी। अब इस टेबल पर मौजूद एक एक टर्म आपको अगर समझ में आ गई तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। एक्सोक्राइन ग्लैंड अगर एक सेल का है तो उसे हम यूनिसेलुलर कहेंगे, लेकिन ज्यादातर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं, इसीलिए उसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, अच्छा मल्टी सेलुलर को भी फर्दर क्लासिफाई करने के चार मैकेनिज्म हैं। पहला मैकेनिज्म है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डक्ट्स। अगर एक डक्ट मौजूद है तो सिंपल ग्लैंड, अगर बहुत सारी डक्ट्स मिल रही हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड ग्लैंड। सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सीक्रेटरी यूनिट। अगर सीक्रेटरी यूनिट सर्कुलर शेप यू है तो उसे एल्वुलर या एसिनर कहते हैं, और अगर वो ट्यूब शेप है तो उसे हम ट्यूबुलर कहते हैं। अगर ग्लैंड में से म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है तो म्यूकस ग्लैंड, अगर ग्लैंड में से प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है तो सीरस ग्लैंड। ये था थर्ड वे ऑफ डिवाइडिंग द ग्लैंड्स। और फोर्थ मैकेनिज्म क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेटरी मैकेनिज्म। अगर सिंपल 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 एक्सोसाइटोसिस हो रही है, सेल का कोई पार्ट सीक्रीशन के साथ नहीं निकल रहा तो मीरोक्राइन, अगर सेल का थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन का पार्ट सीक्रीशन के साथ निकल रहा है तो एपोक्राइन, और अगर पूरा सेल खत्म हो रहा है तो होलोक्राइन। ये बात समझ में आ गई सबको? अगर ये समझ में आ गया तो वेरी गुड। अब एक आखिरी दफा जो डायग्राम्स हैं वो रिपीट करते हैं और फिर इस चैप्टर को करते हैं क्लोज। ओके, अब ये अगर डायग्राम्स हम एक दफा दोबारा से रिपीट करते हैं, अगर ये आपने सही से इनके नाम बता दिए देन यू आर गुड। अब ये मुझे बताओ, नॉन सिग्रेटरी एपिथीलियम के बीच में एक सेल है तो ये यूनिसेलुलर ग्लैंड हो गया, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब मैं करूंगा ये कि नाम छुपाऊंगा और आपसे हर ग्लैंड का नाम पूछूंगा, अगर आपने नाम मुझे ठीक बता दिया देन यू आर गुड। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने देखना है डक्ट को, अगर तो डक्ट सिंगल है, इफ यू हैव ओनली वन डक्ट देन दिस इज कॉल्ड अ सिंपल ग्लैंड, अगर डक्ट एक से ज्यादा है देन दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड ग्लैंड। फिर आपने देखना है सीक्रेटरी यूनिट को, अगर सीक्रेटरी यूनिट इस शेप का है तो उसे हम नाम देंगे एल्वुलर या एसिनर, लेकिन अगर सीक्रेटरी यूनिट ट्यूब फॉर्म का है तो उसको हम नाम देंगे ट्यूबुलर। ठीक है, अब मुझे बताओ ये ग्लैंड सिंपल है या कंपाउंड है। अगर आप कह रहे हैं कि सिंपल क्योंकि एक डक्ट है देन यू आर राइट। अब मुझे बताएं कि ये जो ग्लैंड है ये ट्यूब शेप है या एसिनर शेप है, ट्यूब शेप, तो इसका पूरा नाम क्या बन गया, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। आइए देखते हैं, यही नाम है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, बात समझ में आती है। इसका नाम है सिंपल क्योंकि एक ट्यूब है, एक डक्ट है, क्वाइल्ड क्योंकि इसका सीक्रेटरी यूनिट क्वाइल्ड है, और ट्यूबुलर क्योंकि ये ट्यूब शेप्ड है। इसको नाम दिया है सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर क्योंकि सिंपल है, ट्यूब्यूलर है, और ट्यूब्यूल्स काफी सारी ब्रांचेस में है। ठीक है, इसको नाम दिया है हमने कंपाउंड ट्यूबुलर क्योंकि एक ट्यूब नहीं, एक डक्ट नहीं है, मल्टीपल डक्ट्स हैं, और चूंकि ये ट्यूबुलर है तो कंपाउंड और ट्यूबुलर। अगर हर वर्ड समझ में आता है तो कमेंट में लिख के बताइए, कोई प्रॉब्लम है वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए। ये सिंपल है क्योंकि इसमें एक डक्ट है और सीक्रेटरी यूनिट चूंकि राउंडेड है तो सिंपल और एल्वुलर। यहां पे सिंपल है क्योंकि एक डक्ट है, ब्रांच्ड एल्वुलर क्योंकि एल्वुलर है लेकिन ब्रांचेस बहुत ज्यादा है। इसको हमने नाम देना है, मुझे बताएं सिंपल है या कंपाउंड है, सो दिस इज कंपाउंड, और ये ट्यूबुलर है या एल्वुलर है, एल्वुलर, तो कंपाउंड एल्वुलर। और ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है जी, इसमें बहुत सारी डक्ट्स हैं तो ये कंपाउंड है, इसमें एल्वुलाई भी हैं और इसमें ट्यूब्स भी हैं, इसीलिए इसका नाम है कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर। विद दिस ये चैप्टर यहां खत्म हुआ एंड आई थिंक यू हैव मास्टर्ड द टॉपिक ऑफ ग्लैंड्स। इस वीडियो को भाई बार बार देखिए क्योंकि ग्लैंड का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जुड़े रहिए डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स के साथ, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।